मेष राशि, आज आप योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो आपके लिए दिन शुभ रहेगा। पैसों का कोई बड़ा सौदा आज फिर निपट सकता है। धन लाभ भी होने के योग बन रहे हैं। जिन कामों को लेकर आप परेशान रहेंगे वो अचानक किसी की मदद से पूरे हो सकते हैं। नए रूप में आगे बढ़ने के लिए मौके आपको मिल सकते हैं। अपने खर्च पर कंट्रोल रखें। भावनाओं में बहकर किसी को बिना मांगी सलाह न दें, इससे आपको ही परेशानी का सामना करना होगा। ज्यादा भावुक भी न हो। आपकी बातों पर आज लोगों का ध्यान रहेगा। क्या करें, परिवार के किसी भी सदस्य या अपोजिट जेंडर वाले मित्र को परफ्यूम गिफ्ट दें। वृषभ राशि, आज किया गया निवेश आने वाले दिन में आपको फायदा दे सकता है। किस्मत का साथ मिल सकता है। मेहनत से पैसे कमाने का दिन है। सुखद और फायदेमंद यात्रा के योग बन रहे हैं। फैसले लेने की क्षमता बढ़ सकती है। नए लोगों से कॉन्टैक्ट हो सकता है। आपको मिलने वाले फायदे पर किसी और की भी नजर हो सकती है। आपका नुकसान भी हो सकता है। कुछ आदतें आपको परेशान कर सकती हैं। क्या करें, हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज झंडी दान दी। मिथुन राशि, करीबी लोगों को लेकर कोई संदेह है तो हर चीज सामने आ जाएगी। करियर से संबंधित कुछ नए और रोचक ऑफर मिल सकते हैं। ऑफिस का या स्कूल कॉलेज का कोई कागजी काम बाकी है तो पूरा हो जाएगा। आपके आक्रामक रवैये को छोड़कर हर काम में दिमाग लगेगा और खुद को नियंत्रण में रखेंगे। आज आप पैसों से जुड़ा कोई जोखिम न लें। दिन भर व्यस्त हो सकते हैं। कोई ना कोई काम लगातार रहेगा। किए गए कामों का फायदा कुछ भी कम होगा। आज होने वाला खर्च आपके जरूरी कामों का बजट भी बिगाड़ सकता है। इस राशि के कुछ लोग ज्यादा ही कंजूसी करेंगे। कुछ लोगों से विवाद होने के योग हैं। क्या करें, हल्दी केसर का तिलक लगाएं। कर्क राशि, आज कोई आपसे मदद ले सकता है। आप भाग दौड़ करेंगे, सफल हो जाएंगे। प्रसन्न रहे तो दिन भी अच्छा रहेगा और खुशी खुशी में बीतेगा। अपनी और अपनी तरफ से धैर्य रखें। आपको कुछ नया और सकारात्मक सोचना चाहिए। दिन का ज्यादातर वक्त दूसरों के काम में खर्च हो सकता है। किसी भी झमेले में न पड़े। कोई बड़ा फैसला शाम तक न लें तो बेहतर रहेगा। भय और असुरक्षा की भावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं। खुद का ध्यान रखें। पैसा कमाने और पैसा बचाने के लिए शॉर्टकट यूज ना करें। क्या करें, आज काले कपड़े न पहने। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र में किस्मत का साथ मिल सकता है। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुल सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। आज आप नए लोगों से जुड़ेंगे। आपको मेहनत पर सम्मान और पुरस्कार मिल सकता है। अपने संबंधों से आप अपने काम पूरे करवा लेंगे। दिन पहले से ठीक रहेगा। ज्यादा सोच विचार करने में समय खराब हो सकता है। जो आपके सामने है वो करें। आपका कारोबार भी बढ़ सकता है। कुछ एक्स्ट्रा काम का बोझ भी आप पर आ सकता है। क्या करें, आज गीले बालों में तेल न लगाएं। कन्या राशि, गोचर कुंडली के किस्मत के घर में चंद्रमा होने से दिन आपके फेवर में रहेगा। करियर में प्रगति के मौके मिल सकते हैं। सोचा हुआ काम समय से पूरा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सुख मिल सकता है। कारोबार और नौकरी में सोचे हुए काम हो जाएंगे। सेहत को लेकर आप सावधान रहें। किसी भी तरह की लापरवाही न करें। समय पर अपना काम पूरा न होने से आपका तनाव बढ़ सकता है। किसी से अनबन हो तो मूड खराब न होने दें। इसका असर दूसरे कामों पर भी पड़ सकता है। क्या करें, चंदन का ड्यू या परफ्यूम यूज करें। तुला राशि, आज कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं। कोई नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। कोई कार्यक्रम बनाया है तो उसमें अचानक बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। आप दिन भर व्यस्त हो सकते हैं। आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपने लिए तैयार रखें। नौकरी या बिजनेस का कोई राज उजागर हो सकता है। अचानक धन हानि के योग बन सकते हैं। हर काम सावधानी से करना चाहिए। आपकी कुछ योजनाएं असफल हो सकती हैं। पैसों के मामले में थोड़ी चिंता होगी। कुछ नया ना करें तो अच्छा ही है। पूरा दिन सावधानी से निकाल दें। क्या करें, कुमकुम का तिलक लगाएं। वृश्चिक राशि, बिजनेस और नौकरी में आप अच्छा काम कर सकते हैं। अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं। सफलता मिलेगी। सामाजिक समारोह में मान सम्मान और काम के लिए आपकी तारीफ हो सकती है। यश मिलेगा। प्रेम संबंधों में अच्छा खासा सुधार लाने का मौका भी मिल सकता है। आपको थकावट, बोरियत और सुस्ती भी महसूस हो सकती है। किसी से फालतू विवाद भी होने की संभावना है। आज थोड़ी नकारात्मकता भी परेशान कर सकती है। क्या करें,
किसी पंडित या पुजारी को खीर खिलाएं। धनु राशि, पॉजिटिव नौकरी, बिजनेस में पूरी तरह रक्षात्मक रूप से काम करें, धीरे धीरे आगे बढ़े, खुद को चौकन्ना रखें। पैसों और नौकरी के सवालों पर आपको उपयोगी और महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। आपके सामने भावनात्मक मामले भी महत्वपूर्ण रहेंगे। आने वाले दिनों में पैसों की स्थिति में सुधार होगा। जीवन साथी से अनबन हो सकती है, किसी के साथ कोई गलतफहमी भी हो सकती है। पैसों को लेकर कोई विवाद हो सकता है। मन में कुछ चिंताएं और घबराहट हो सकती है। कुछ मामलों में भाई बहनों और दोस्तों से सहयोग नहीं मिल पाएगा। क्या करें, माता जी को मेहंदी लगाएं। मकर राशि, अपनी भावनाओं और गतिविधियों को संतुलित रखने में ध्यान दें। पैसों से जुड़ा कोई अच्छा सुझाव या मौका आपको मिल सकता है। नई जगह निवेश करने के लिए आप उत्सुक रहेंगे। रिश्तेदार आपकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। मनचाहे काम पूरे होने में समय लगेगा। किसी काम के लिए आपकी तरफ से आपकी ओर से पहल करने में संकोच न करें। चंद्रमा आपसे दिन भर द्वेषपूर्ण काम करवा सकता है। ऐसे में आपने सावधानी न रखी तो थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। किसी खबर से मानसिक या शारीरिक थकान हो सकती है। क्या करें, घर की दहलीज पर दोनों तरफ एक एक छोटा चम्मच कच्चा दूध डालें। कुंभ राशि, अपने से बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह माने, संयम और धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। आप दूसरों की मदद भी करेंगे। जहां तक हो सके अपना व्यवहार सकारात्मक रखें। ऐसे लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। कोई फैसला आप बहुत सोच समझ कर करें, सोच विचार कर करें। आपके काम देरी से ही सही पर सही पूरे हो सकते हैं। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है, झुंझलाहट बढ़ सकती है। खुद की सेहत की चिंता करें। कारोबार किसी के फैसले के कारण आप टेंशन में रहेंगे। कारोबार के मामलों में जोखिमपूर्ण कामों में भी नुकसान हो सकता है। फालतू खर्च बढ़ सकता है। कामकाज में देरी से परेशानी हो सकती है। पहले से सोचा हुआ कोई कार्यक्रम अचानक बदल भी सकता है। किसी पुरानी बात पर अपने ही लोगों की वजह से दुखी भी हो सकते हैं। क्या करें, अनार खाएं और लोगों को भी खिलाएं। मीन राशि, आज आपको नए और रोचक अनुभव मिल सकते हैं। आपके लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। आप सकारात्मक और खुश रहेंगे। अपने मन पर भरोसा रखें। आपको रोमांस के मौके भी मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपका सुख बढ़ेगा। कोई व्यक्ति आपको राज की बातें भी बता सकता है। घरेलू तनाव या विवाद के योग बन रहे हैं। शांति से दिन टाल दें। अच्छे समय का इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप किसी बात पर अचानक उग्र हो सकते हैं, इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। क्या करें, हथेलियों और कलाई पर एलोवेरा लगाकर हाथ धो लें।